हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम रोड टू वेब डॉट इन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप अगर फ्लाइट वेबसाइट बनाते हो तो यहाँ पे फ्लाइट का जो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है, जैसे आपको कौन सी फ़्लाइट चूज़ करनी है और डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैं जैसे कि मुंबई डाल देती हूँ, यहाँ पे डेस्टिनेशन मुंबई। तो यहाँ पे देखिए मुंबई का ऑप्शन आ गया, और हम यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं और कभी रिटर्न जाना है हमें, और पैसेंजर्स कितने ऐड करने हैं, चिल्ड्रंस, इन्फेंट, एडल्ट, बिजनेस क्लास है, तो ये सर्च हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्रैवल प्ले आउट है, ये कैसे आप यहाँ पे ला सकते हो वर्डप्रेस में, वो मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप पेज क्रिएट कीजिए। तो सबसे यहाँ पे मैं आपको कैसे ट्रैवल प्ले आउट ऐड करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जिस पेज पे, जैसे कि होम पेज या ट्रैवल पेज या किसी भी पेज पे आपको जो जहाँ पे ट्रैवल पे आउट डालना है वो आप पेज बना लीजिए। पेज बनाने के बाद एलिवेट एलिमेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं सेक्शन में एक इमेज ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पैडिंग दे देती हूँ थोड़ा सा, जस्ट शो के लिए एक पैडिंग दे देती हूँ। यहाँ पे मैं बॉटम और लेफ्ट 150। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रैवल पे आउट जाना है, गूगल करना है ट्रैवल पे आउट। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप, अगर आपका साइन इन नहीं है तो साइन अप कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने मेल से साइन अप कर रही हूँ। जैसे आप साइन अप करोगे आप ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाओगे इसके अंदर। और यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपको ये वेबसाइट जो है मोनिटाइज, आर यू गोइंग टू मोनिटाइज योर वेबसाइट। अगर आप कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो नो भी डाल सकते हो, यस भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का, जिस पे आप ये ट्रैवल पे आउट डालना चाहते हो, उसका लिंक यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का लिंक डाल देती हूँ टेम्प्रेरी। और प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लर्निंग के लिए ओके कर रही हूँ। और आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स हैं ये जानना चाहते हैं, ये फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है ये जो जानना चाहते हैं। तो आप इसमें से जो आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए। और विच कंट्री विजिटर, तो यहाँ पे मैं इंडिया लिख देती हूँ। और सबमिट। सो ज्वाइन द क्लब, मुझे कोई ज्वाइन क्लब नहीं करना है, सो मैं जस्ट यहाँ पे क्लोज बटन दबा दूंगी। अब यहाँ पे आप एफिलेट भी कर सकते हो, अगर आपका वेबसाइट पे इसका इस चीज़ का एफिलेट आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ट्रैवल पे आउट डालना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये जस्ट डेमो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, मतलब ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। जैसे नए, जब हम नया अकाउंट बनाते हैं तो हमारे इंक्वायरी के लिए कि ये सब क्या है करके बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम्स में। हाँ, और एक और चीज़, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड, तो इसके लिए आपको अपने जीमेल में जाना है। पे देखिए जीमेल में आपको ट्रेवल प्ले आउट का एक्टिवेशन का लिंक दिया जाएगा, पहले उसे एक्टिवेट करना है। तो अब हो गया है एक्टिवेट अकाउंट। एक्टिवेट अकाउंट होने के बाद तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको होटल लुक और इन दोनों की तरफ से आपको फॉर्म्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है। टूल्स में आपको सर्च फॉर्म पे क्लिक करना है। सर्च फॉर्म में आपको क्रिएट न्यू सर्च फॉर्म पे जाना है। ओके, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लाइट का ऑप्शन है और होटल का ऑप्शन है, मतलब आप होटल भी सर्च कर सकते हो और फ्लाइट भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ फ्लाइट चाहिए, होटल्स नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे विड्थ भी दिखाएगा कि आपको कितनी विड्थ चाहिए पूरे फॉर्म, पूरा आपको मतलब बड़ा विड्थ चाहिए या स्मॉल विड्थ चाहिए। यहाँ पे आप विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो। ये देखिए विड्थ भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी विड्थ का आपको ये फॉर्म चाहिए। फॉर्म विड्थ डिसाइड करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है फ्लाइट्स
जैसे फ्लाइट्स का चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ फ्लाइट्स चाहिए तो फ्लाइट्स भी मिलेगा, ये देखिए ये फ्लाइट का प्रीव्यू फॉर्म है। और यहाँ पे हम सिर्फ होटल्स का चाहिए तो होटल का भी फॉर्म, मतलब मुझे कौन से होटल में रहना है तो वहाँ पे होटल का भी सर्च फॉर्म आपको मिल जाएगा। या फिर आपको दोनों ही चाहिए तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कलर स्कीम में देखोगे कि आपको कौन सी कलर चाहिए, यहाँ पे फॉर्म का कलर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कलर का फॉर्म चाहिए। मुझे फ़िलहाल ब्लू ही चाहिए तो मैं ब्लू ही सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप अलग अलग कलर भी डिसाइड कर सकते हो फॉर्म्स के। तो ये देखिए ब्लैक कलर भी है यहाँ पे, ओके तो ब्लैक भी है, ब्लैक ज़्यादा बेटर लग रहा है सो कि मैं ब्लैक ले रही हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड गेट द कोड। तो ये आपको कोड मिल गया, कोड मिलने के बाद आपको वापस अपनी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको एक प्लगइन लेना है, प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो ट्रेवल पे आउट का प्लगइन है वो लेना है, तो आपको जस्ट लिखना है ट्रेवल पे आउट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्लगइन मिल जाएगा, ट्रेवल पे आउट फ्लाइट्स एंड होटल ट्रेवल सर्च, इसे इंस्टॉल करना है। ओके इंस्टॉल हो गया, अब इसे एक्टिवेट करना है। सो एक्टिवेट करने के बाद आप एक्टिवेट, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपको यहाँ पे ट्रेवल प्लेआउट का देखिए यहाँ पे आपको अलग से टैब मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च फॉर्म में जाना है। और यहाँ पे ऐड अ शॉर्ट कोड पे क्लिक करना है। तो ये जो यहाँ पे क्या शॉर्ट कोड ऐड करना है, ये शॉर्ट कोड जो हमें फॉर्म से मिला है तो इसे जस्ट आपको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना है। और टाइटल यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फ्लाइट ही नाम दे देती हूँ, फ्लाइट एंड होटल। अब यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये आपको शॉर्ट कोड मिल गया है, शॉर्ट कोड मिल गया है राइट। तो ये शॉर्ट कोड क्या करना है, आपको अपने पेज पे पेस्ट करना है। तो एलिमेंटर हमें शॉर्ट कोड पेस्ट करने के लिए अलग से देता है विगेट्स। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट कोड का एक विगेट्स है, पर पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, एक इनर सेक्शन ले लेंगे इसके अंदर दो, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे शॉर्ट कोड, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे शॉर्ट कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से यहाँ से कॉपी किया था। अब इसे अप्लाई करेंगे, ओके तो ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू इसका दिख नहीं रहा है, अब इसे अपडेट कर देते हैं सबसे पहले। अब प्रीव्यू चेंजेस में हम जाएंगे, ओके सो यहाँ पे आप देख सकोगे कि जो मैंने डाला था यहाँ पे फ्लाइट और होटल सर्च का फॉर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। इस तरह आप अपने वेबसाइट पे फ्लाइट और होटल के लिए फॉर्म ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे टिकट बुक करनी है, सपोज़ कि पुणे से लेके यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन लिख देती हूँ मुंबई, तो मुंबई यहाँ पे मुझे डेट डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे किस डेट को आपको टिकट चाहिए और रिटर्न डेट यहाँ पे कोई भी एक डेट मेंशन कर सकते हो आपके जाने और आने के हिसाब से। देखिए यहाँ पे पैसेंजर्स भी है, मतलब आप अडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, इन्फेंट्स कितने हैं, बिजनेस क्लास चाहिए, ओके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे तो जैसे ही सर्च करोगे आपको टिकट्स मिल जाएगी यहाँ पे। देख आप अपने वेबसाइट पे ये देखिए मुझे मुंबई और पुणे से जाने वाली जितनी भी टिकट्स है फ्लाइट्स की वो मिल गई है। तो इस तरह आप अपने वेबसाइट पे, ट्रेवल वेबसाइट पे फ्लाइट की और होटल की बुकिंग कर सकते हो और ऐसे सेक्शंस डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेवल पे आउट। तो यहाँ पे आप होटल भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिटी सर्च लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सिटी वापस लिख देती हूँ मुंबई। तो देखिए यहाँ पे मुंबई आ गया और कितने गेस्ट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सर्च करना है। तो ये देखिए मुंबई में जितनी भी होटल्स है उसको आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि यहाँ पे किस होटल में आपको बुक करना है। तो आपके ट्रैवल के, आपके वेबसाइट के थ्रू भी ये लोग क्या कर सकते हैं, होटल हम जा सकते हैं और फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं।
सो ये था कैसे ऐड करना है फॉर्म ट्रेवल पे आउट अपने वेबसाइट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।